जय हिंद दोस्तों, अभी जो आप ये देख रहे हैं ये मैं अपने ब्रोडिंग सिस्टम में बैठा हूँ। जो फर्स्ट दिन से मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ, एक दिन का जब मैं चिक्स लेके आया था बहुत ही छोटे छोटे चिक्स थे, जो मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ। और आज जो आप चिक्स देख रहे हैं ये बटेर का चिक्स है, ये आज 10 दिन का चिक्स हो गया है। जो आप देख सकते हैं कि ये एक चिक्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है 10 दिन में। अभी ये मैं ब्रूडिंग सिस्टम में अभी भी बैठा हूँ, मैं आज इसका 10 दिन पूरा हो चुका है, इसलिए मैं कहीं भी अब इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसे यहाँ से हटा सकता हूँ। मैं अभी ये जो गत्ता मैंने लगाया है ये गत्ता को मैं निकाल दूँगा। ये जितने भी गत्ता आप देख रहे हैं ये गत्ता मैं चारों तरफ से मैं लगा के रखा था और ब्रूडिंग सिस्टम में, इसीलिए ये छोटा जो चिक्स होता है एक दिन का बहुत ही नाजुक और बहुत ही छोटा चिक्स होता है, इस कारण से ये गत्ता लगाया जाता है कि ताकि ये चिक्स अगट्ठा ना हो, अगर अगट्ठा हो तो कम हो, अगर ज़्यादा चिक्स अगट्ठा हो जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मर जाएंगे, इसलिए ये चीज़ किया जाता है। दूसरा जो ये चीज़ है, जो 100 वाट का बल्ब देख रहे हैं ये बल्ब लगाया जाता है हीटिंग के लिए, ताकि इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे। और ये जो पानी का आप बॉटल देख रहे हैं इसके अंदर छर्री, आप देख सकते हैं कि छर्री है, ताकि जो छोटा चिक्स है ये इसके अंदर भीगे ना, भीगने की वजह से मर जाएगा। मैंने जो चिक्स यहाँ पे 3 सेक्शन में रखा है, जो आप पहला सेक्शन ये आप देख सकते हैं 1000 चिक्स है, ये बटेर का 1000 चिक्स है। ये आप उधर वो साइड में देख सकते हैं, ये सारे चिक्स यहाँ पे मौजूद हैं। अभी 10 दिन अगर ठंडी का फुल ठंडी हो रहा है, दिन में भी फुल ठंडी हो रहा है, तो आप ब्रूडिंग सिस्टम में 15 दिन रखिए। इसके बाद में जो गत्ता है इस गत्ता निकाल के आप अगर जिस जगह पे स्टॉक में आप ब्रूडिंग सिस्टम में रखे हैं उसी जगह पे अगर जगह उतना है रखने के लिए तो आप वहाँ रख सकते हैं, या वहाँ जगह नहीं तो वहाँ से उठा के अलग जगह आप शिफ्ट कर दीजिए। फिर भी अगर देख लीजिए कि अगर ठंड उसे नहीं लगना चाहिए, 15 दिन के बाद ठंड नहीं लगेगा इन्हें बिल्कुल, ये इनके जो पंख है ठंड इसीलिए लगता है कि जो चिक्स होते हैं ये काफ़ी नाजुक और छोटा चिक्स होता है, इसके अंदर जो पंख अभी सारे पंख आप देख रहे हैं ये पंख नहीं होता है, इसलिए इन्हें ठंड ज़्यादा लगता है, टेम्परेचर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है इन्हें और इनकी मोटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो गत्ता आप देख रहे हैं गत्ता लगाए, गत्ता से अभी जो चिक्स है ये अभी गत्ता से बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं ये, और हम मान के चलिए अगर 15 दिन इसके अंदर और हम रखते हैं तो कोई इसमें समस्या नहीं है और अच्छा ही है, पर इन्हें थोड़ा अगर जगह थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, ये नहीं गत्ता निकाल दिया जाए अगर तो ये और अच्छे से रनिंग करेंगे, घूमेंगे और दाना भी अच्छे से खाएंगे, बैठेंगे, इसलिए जितने जैसे जैसे इनका ग्रोथ बढ़ेगा वैसे इन्हें जगह भी थोड़ा और ज़्यादा ही जगह चाहिए टहलने, खाने पीने, घूमने के लिए, इसलिए इसे निकाल देना चाहिए, इसीलिए और ब्रीडिंग सिस्टम में इस तरीके से रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना ऐसा अगर करके हम नहीं रखेंगे तो चिक्स काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और मरने की चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, और भी मेरे से अगर चिक्स सप्लायर भी मैं हूँ, चिक्स अगर चाहिए आपको या कटिंग पर्पस के लिए बटेर चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। मेरा जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर पब्लिक ऐप पे इस मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।